हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी एंड टेस्टी फ्रेंच फ्राइज, वो भी मार्केट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलू का छिलका निकाल के आलू को फिंगर शेप में काट लिया है। इसी शेप में काटना है, इससे ज़्यादा मोटा बिल्कुल नहीं काटना, वरना फ्रेंच फ्राइज अच्छे नहीं बनेंगे। आलू को 5 से 6 बार पानी से अच्छे से साफ़ करना है, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल से साफ ना हो जाए। आलू को छन्ने में रख दिया ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। यहाँ पर आलूओं में 1 पिंच फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। कलर को आलूओं में अच्छे से मिला देना है। कलर को बढ़िया से मिला दिया है। यहाँ पर 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर को भी मिलाएंगे। कॉर्नफ्लावर से ही आलू में बढ़िया सा क्रिस्पी बनाता है। कॉर्नफ्लावर को पूरे आलू में मिला देना है। सारे आलूओं में इसकी कोटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर आलू अच्छे से मिल गए हैं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा। मैदे को भी हम पूरे में मिला देंगे। 2 मिनट के लिए आलू को रेस्ट देंगे। अब हम लास्ट स्टेज में डालेंगे नमक। अब आलूओं को फ्राई करने की बारी आती है, जिसके लिए तेल को गरम करना है। तेल गरम है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले 1 आलू डालेंगे। यदि आलू के ऊपर बबल्स आ रहे हैं, आलू नीचे से तैर के तेल के ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब तेल बढ़िया सा गरम है। यहाँ पर हम सारे आलू को थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। 1 मिनट बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही आलू को फ्राई करना है। इस ट्रिक से बनाने से आलू बिल्कुल मार्केट जैसा क्रिस्पी होता है। आलू को हल्के हाथों से पलटते हुए हम चारों तरफ फ्राई करेंगे। लगभग 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे आलू को फ्राई किया है। अब आलू को निकाल लेते हैं। वापस फिर से आलू को चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। कम गर्म तेल में आलूओं को डालने से आलू काफ़ी हद तक तेल को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए आलू को जब भी डालें काफ़ी गर्म तेल में डालें। इससे क्या होता है, आलू के ऊपर एक बढ़िया सी लेयर चढ़ जाती है क्रिस्पी सी। 1 मिनट बाद फ्लेम को लो करके आलूओं को फ्राई करेंगे। इस ट्रिक से बनाने से फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी हो जाता है, बट ऑयली नहीं होता। यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज बनके बिल्कुल तैयार है, तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्राइज को टमाटर की चटनी और केचप के साथ सर्व करेंगे और फ्राइज के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे। फ्राइज बनके हमारे तैयार हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।